पलीकडचा एक रद्य सोहळा सुद्धा आता आपण पाहतो आहोत. भावगंधर्व पद्मश्री हृदयनाथजी मंगेशकर यांच्या सह हा पुरस्कार अमजद अली खान स्वीकारत आहे. जोरदार टाळ्या आपण त्यांच्या कार्यासाठी वाजवूया. एक अत्यंत कला संपन्न असं हे व्यक्तिमत्व आणि आज हा सोहळा आपल्याला इथे पाहता येतोय खरोखरच आपल्या प्रत्येकासाठीची एक अत्यंत भाग्यदायी आनंददायी अशी घटना. एकाच मंचावरती जेव्हा पद्मश्री पद्मभूषण पद्मविभूषण यासारखी व्यक्तिमत्व असतात तेव्हा खरं तर असंच म्हणावं असं वाटतं की दिव्यत्वाची जेथ प्रचिती तेथे कर माझे जुळती. मी आदरणीय श्री हमारे आज के जो चीफ गेस्ट हैं मंत्री जी, आदरणीय श्री हृदयनाथ जी, आदरणीय परम मित्र आशा जी, योगेश जी और जितने भी मंच पर महान विभूतियाँ बैठी हैं उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ. देवियों सज्जनों, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा दिन है, बड़ा मौका है. ये मास्टर दीनानाथ मंगेशकर के नाम का ये अवार्ड, वो मेरे पिता समान थे और उनके इतने महान, उनकी जो परंपरा है, लता मंगेशकर जी हमारी दीदी, आशा जी, मीना जी, उषा जी, वो सबसे छोटे सदस्य आदिनाथ मंगेशकर, एक गुरु के, एक पिता के इतने होनहार, इतने सुरीले लोग एक ही परिवार में है. और ये सात सुर का सारे गामा पाधानी, हम लोग का ये जो रिश्ता है स्वर और लय का, ये खून के रिश्ते से भी ज्यादा बड़ा है. नितिन गडकरी जी से मैं कह रहा था कि नागपुर में इतने ज़्यादा बचपन से मेरे इतने प्रोग्राम्स हुए हैं, इतनी अच्छी वहाँ सुनकार हैं, इतने अच्छे श्रोता हैं. वो कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा एक हॉल बना है और हम लोग को वो बुलाएंगे वहाँ पर. और ये परंपरा संगीत की, क्योंकि हम लोग पुराने लोग यही कहते थे कि स्वर ही ईश्वर है, सांस स्वर का जो संबंध है ये बहुत ही अटूट है. मुझे याद आ रहा है एक किस्सा, एक बहुत बड़े गायक थे उस्ताद अमीर खान साहब, हृदयनाथ जी, पूरा मंगेशकर परिवार उनको बहुत प्यार करता था. एक दफ़ा हमारे दिल्ली के पहले जो एलजी थे मिस्टर एन झा, उनके घर में गवर्नर्स का डिनर था, पूरे हिंदुस्तान के गवर्नर आ रहे थे. तो मुझे भी फ़ोन आया कि आपको बजाना है और उस्ताद अमीर खान साहब का गाना होगा. तो एक ही गाड़ी में हम लोग जा रहे थे. कहने यार ऐसा है, ये गवर्नर लोग जब आ रहे हैं इनको संगीत की समझ नहीं है, तुम भी कम बजाना मैं भी कम गाऊंगा. तो मैंने कहा हुजूर मैं तो आपको सुनने जा रहा हूँ, आपके सामने मैं क्या बजाऊंगा. तो मैंने उनके हुक्म के मुताबिक आधे घंटे में ख़त्म कर दिया. अब खान साहब का जो गाना शुरू हुआ वो भूल गए कि कहाँ बैठे हैं, कितनी देर गाना है. और हम लोग पांच सात लोग थे जो वाह 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 कर रहे थे और उनका मन लग गया. अब वो गवर्नर साहब मुझे इशारा कर रहे हैं कि कब ख़त्म करेंगे. तो इशारे से मैं उनको कह रहा हूँ कि आप अपने गेस्ट को ले जाइए, मैं खान साहब को नहीं रोक सकता. और गाते गाते वो रुकते नहीं थे, फौरन दूसरा राग शुरू कर देते थे.
दूसरा राग शुरू कर दिया तो सारे गेस्ट चले गए, अकेले गवर्नर बैठे थे तो मुझे साइन लैंग्वेज से कह रहे कि ये कब खत्म करेंगे। मैंने कहा आप भी जाइए, ये इनका पता नहीं। तो ये हम लोगों की क्लासिकल म्यूजिशंस की ये बहुत बड़ी ट्रेजिडी है कि हम लोग टाइम भूल जाते हैं। मन लग गया तो बजाए जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं। लेकिन लता जी, आशा जी, इन लोगों ने 3 मिनट में दुनिया को रिझाया। तो उसका मतलब यही है कि म्यूजिक हैज टू बी अपीलिंग, और वो म्यूजिक इज द नेम ऑफ क्वालिटी, नॉट ऑफ क्वांटिटी। क्योंकि 2 घंटे एक राग हम कभी कभी गाते बजाते हैं और उसका भी असर नहीं होता कभी। तो ये मेरी लाइफ का ये सबसे बड़ा अवार्ड है, और मेरी खुशकिस्मती है कि मंगेशकर परिवार ने मुझे याद किया और ये सम्मान मुझे दिया है। धन्यवाद। स्वराची व्याख्यासमुळे केली जाते की जो स्वतःच्या तेजाने प्रकाशमान होतो आणि आपल्या अस्तित्वाने संपूर्ण। माफी चाहता हूं क्योंकि हमने सिर्फ सरोद बजाने का रियाज किया, बोलने का रियाज नहीं हुआ कभी। अनुपम खेर जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं और मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। एक से एक अच्छा इनका काम, और मैं इनका नाम लेना भूल गया, शेखर सेन, ये भी माशाल्लाह बहुत ही इन्होंने एक नई दिशा थिएटर में दी है। तो सबके साथ बैठना, सबके साथ मिलना, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। धन्यवाद। इतका दिग्गज व्यक्तिमत्व जेव्हा पुन्हा येऊन आपल्याच कलाकारांबद्दलचं प्रेम कृतज्ञता व्यक्त करतात तेव्हा निशब्द व्हायला होतं। Hi guys, this is Rakul and you're watching Wild Bollywood. Please subscribe.